हे फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सलोन एंड एजुकेशन। और दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉस्कॉप ब्रांड की एक स्पा ट्रीटमेंट पर, या एडवांस स्पा ट्रीटमेंट पर, या हेयर ट्रीटमेंट पर, जिसका नाम है फाइबर क्लीनिंग ट्रीटमेंट। ये बेसिकली एक एडवांस स्पा ट्रीटमेंट है जो आप अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन यूज कर सकते हो। ये ट्रीटमेंट आपके बालों को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है और साथ साथ आपके बालों को हेल्थी भी बनाती है। तो चलो फर्स्ट हम देखते हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में और फिर इसे हम प्रैक्टिकली आपको एक मॉडल पर करके दिखाएंगे। दोस्तों, शॉस्कॉप ब्रांड का कहना है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उन्होंने 10 साल तक रिसर्च किया, यानी 10 साल के रिसर्च या मेहनत के बाद उन्होंने ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है। और ये प्रोडक्ट बेसिकली आपके बालों को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, बालों को स्ट्रेंथ भी देता है और हेल्थी भी बनाता है। और आपके बालों में जो डैमेज है, उस डैमेज को भी 90 to 95% तक कम भी करता है। ये ट्रीटमेंट बेसिकली आपके रेगुलर हेयर स्पा का रिप्लेसमेंट है। और शॉस्कॉप ब्रांड का कहना है कि इस ट्रीटमेंट में दो मेन टेक्नोलॉजी है, दैट इज टाई बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी एंड C21 टेक्नोलॉजी। जैसे दोस्तों मैंने पहले कहा कि इस प्रोडक्ट के अंदर दो मेन टेक्नोलॉजी है जिसे शॉस्कॉप ने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज ट्राई बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी और C21 टेक्नोलॉजी। जिसमें से ट्राई बॉन्ड टेक्नोलॉजी या ट्राई बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली आपके हेयर को रिपेयर करती है और आपके बालों को 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बनाती है और हेल्थी भी बनाती है। वेर एज C21 टेक्नोलॉजी, ये आपके बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है और आपके क्यूटिकल को हेल्थी बनाती है, जिसके वजह से आपके बाल शाइनी, हेल्थी और मैनेजेबल बनते हैं। दोस्तों, ये एक इन सलोन ट्रीटमेंट है, तो प्लीज़ आप इसे सलोन में ही जाके करें, इसे आप घर पर ट्राई ना करें। इस ट्रीटमेंट को आगे जानने से पहले हम पहले कुछ बालों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारे बाल डैमेज क्यों होते हैं, और डैमेज क्यों होते हैं उसे जानने से पहले हम बालों के लेयर्स को जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बालों के लेयर्स तो मालूम ही होंगे कि अपने बालों में, हमारे बालों में तीन लेयर्स होते हैं, जिसमें सबसे टॉप लेयर होता है क्यूटिकल, फिर सेकेंड लेयर होता है आपका कॉर्टेक्स, और फाइनली एकदम इनर लेयर जिसे हम कहते हैं मेडुला, वो होता है। यानी हमारे हेयर के अंदर टोटल तीन लेयर्स होते हैं, लेकिन एज अ हेयर स्टाइलिस्ट हमारे लिए दो ही लेयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज क्यूटिकल एंड कॉर्टेक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे हेयर दो तरीके से डैमेज होते हैं या वीक होते हैं, एक तो इनसाइड से या आउटसाइड से। अब बात आती है ये इनसाइड और आउटसाइड क्या है। अगर आपके बाल आउटसाइड से डैमेज है तो समझिए आपके क्यूटिकल डैमेज है, और क्यूटिकल डैमेज होने से आपके बाल ड्राई और डल दिखाई देते हैं। उसी तरह अगर आपके बाल आउटसाइड इनसाइड से डैमेज है, यानी अंदर से, तो उसे हम कहते हैं कि आपके बालों का जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम डाइसल्फर बॉन्ड्स की होती है, यानी अगर आपके कॉर्टेक्स के अंदर जो डाइसल्फर बॉन्ड्स है वो डैमेज है, तो इसका मतलब आपके बाल इनसाइड से डैमेज है। दोस्तों, ये डाइसल्फर बॉन्ड आपको मालूम ही होगा कि ये आपके बालों की स्ट्रेंथ होती है। अगर ये डाइसल्फर बॉन्ड ही डैमेज है तो आपके बालों में कोई मजबूती नहीं होगी और ये आपके बाल टूटने लगेंगे, जिसे हम हेयर ब्रेकेज भी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक सिंपल रूल याद रखना है, अगर आपके बाल टूटने लगते हैं या आपके बालों में ब्रेकेज है, तो समझिए आपके अंदर वाले लेयर में प्रॉब्लम है, दैट इज कॉर्टेक्स लेयर। उसी तरह सपोज आपके बाल हल्के से या ड्राई लग रहे हैं या डल दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपके आउटर लेयर में प्रॉब्लम है, दैट इज क्यूटिकल लेयर। दोस्तों, यह एक सिंपल और बेसिक तरीका आपके हेयर के डैमेज लेवल को पहचानने का। वैसे तो और कई सारे तरीके हैं, लेकिन एज अ हेयर स्टाइलिस्ट एटलीस्ट आपको ये दो तरीके तो मालूम होने ज़रूरी है। सो इन हेयर के अंदर के और बाहर के डैमेज को रिपेयर करने के लिए शॉस्कॉप ब्रांड ने ये फाइबर क्लिनिक ट्रीटमेंट बनाई है। ये ट्रीटमेंट बेसिकली एक सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट है, याद रखिए ये एक सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट है, ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं। दोस्तों, ये ट्रीटमेंट सच में एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है जो शॉस्कॉप ब्रांड ने बनाई है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ हेयर स्पा। आप हेयर स्पा के बदले इस ट्रीटमेंट को ट्राई करके देखिए। ये ट्रीटमेंट थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू योर रेगुलर स्पा ट्रीटमेंट।
अब बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ, दैट इज प्रोडक्ट। यानी अब हम देखते हैं शॉस्को ब्रांड के इस ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट। तो शॉस्को ब्रांड ने इस प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज क्लीन, ट्रीट एंड बूस्ट। याद रखिए, क्लीन, ट्रीट एंड बूस्ट। तो यहाँ दोस्तों इस ट्रीटमेंट का फर्स्ट पार्ट है क्लींस, और क्लींस के अंदर आपको हेयर को शैम्पू से वॉश करना है, और उसके लिए आपको ये वॉश करना है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको फाइबर क्लिनिक ट्राई बॉन्डिंग शैम्पू। आपको ये शैम्पू यूज करना है वॉश के लिए, यानी आपको इस शैम्पू से बालों को अच्छी तरह वॉश करना है। ये शैम्पू बेसिकली एक माइल्ड शैम्पू है जो आपके बालों को अच्छी तरह या जेंटली क्लीन करता है, और आपके एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स और आपके एग्जिस्टिंग हेयर के स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाता है। उसी तरह सेकेंड पार्ट है ट्रीट, और ये ट्रीट में एक्चुअल आपके ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट है, और यहाँ पर दो अलग अलग प्रोडक्ट है बेस्ड ऑन हेयर कंडीशन। यानी एक प्रोडक्ट आपके थिक बालों के लिए है और एक प्रोडक्ट आपके फाइन बालों के लिए है। और ये देखिए प्रोडक्ट को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रोडक्ट आपके फाइन हेयर के लिए है, और ये वाला प्रोडक्ट आपके थिक हेयर के लिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर थिक हेयर, ध्यान से देखिए। तो आपको ये दो प्रोडक्ट यूज करने हैं इस ट्रीटमेंट के लिए। फाइनली थर्ड प्रोडक्ट है बूस्टर, जिसे हम कॉन्सेंट्रेटर भी कहते हैं। ये बेसिकली आपके हेयर कंडीशन के अकॉर्डिंग बना है। तो यहाँ टोटल 5 अलग अलग बूस्टर है जिसे आपको ट्रीटमेंट के साथ यूज करना है। और ये रहे वो प्रोडक्ट, ये देखिए ये आपका बूस्टर होता है कुछ इस तरह से। तो ये फर्स्ट एक बूस्टर, ये सेकेंड बूस्टर, ये थर्ड बूस्टर, ये फोर्थ बूस्टर, आपका फिफ्थ बूस्टर। यानी टोटल यहाँ पर 5 अलग अलग बूस्टर आप देख सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन आपको यूज करने हैं। 5 बूस्टर में से सबसे फर्स्ट बूस्टर है आपका पेप्टाइड रिपेयर बूस्टर। ये देखिए, ये है आपका पेप्टाइड रिपेयर बूस्टर। ये रिपेयर बूस्टर बेसिकली आपके डैमेज बालों के लिए है। उसी तरह सेकेंड बूस्टर का नाम है पीएच कलर बूस्टर। ये देखिए पीएच कलर बूस्टर, ये बूस्टर बेसिकली आपके कलर ट्रीटेड हेयर के लिए है। नेक्स्ट थर्ड बूस्टर का नाम है मॉइस्चर बूस्टर। ये देखिए मॉइस्चर बूस्टर, ये बेसिकली ड्राई हेयर के लिए है। यानी अगर आपके हेयर हल्के से ड्राई या डल है, या हद से ज़्यादा ड्राई या डल भी है, तो आप इस बूस्टर का यूज़ कर सकते हो। फोर्थ बूस्टर का नाम है वॉल्यूम बूस्टर। ये देखिए कोलेजिन वॉल्यूम बूस्टर, ये बेसिकली आपके थिन हेयर के लिए। अगर आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है तो आप ये वाला बूस्टर यूज़ कर सकते हो ट्रीटमेंट वाले प्रोडक्ट के साथ। फाइनली फिफ्थ और लास्ट बूस्टर है केराटिन स्मूथ बूस्टर। ये बेसिकली आपके थिक हेयर के लिए है या फ्रीजी हेयर के लिए है। सो फ्रेंड्स, ये थे 5 अलग अलग बूस्टर जो आप अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन यूज कर सकते हो इस ट्रीटमेंट के साथ। तो आइए अब देखते हैं इसे एग्जैक्टली कैसे यूज करना है इन ट्रीटमेंट के साथ। सपोज दोस्तों आपके थिक हेयर है, तो थिक हेयर के लिए आपको ये वाला प्रोडक्ट यूज करना है, दैट इज फाइबर क्लिनिक ट्राइब्रॉन ट्रीटमेंट फॉर कोर्स हेयर, दैट इज थिक हेयर। यानी आपको ये प्रोडक्ट लेना है, ये प्रोडक्ट आपको 25 ml टू 30 ml लेना है, और उसके अंदर अगर आपके क्लाइंट डैमेज हेयर है सपोज, तो डैमेज हेयर के लिए आपको ये वाला बूस्टर लेना है। ये बूस्टर के 5 पंप लेना है, आपको ये 5 बार प्रेस करना है, इसे हम कहते हैं 5 पंप। ये 5 पंप लेना है और उसे 25 ml इस प्रोडक्ट के अंदर मिक्स करना है। ये थिक हेयर वाला जो प्रोडक्ट है, दैट इज कोर्स हेयर वाला प्रोडक्ट है, इसके अंदर उसको मिक्स करना है, और फिर आपको ये प्रोडक्ट बालों पे लगाना है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आपको ये ट्रीटमेंट लेना है, और इस ट्रीटमेंट के अंदर ये डैमेज बॉन्ड वाला जो बूस्टर है, ये बूस्टर को इसके अंदर मिक्स करना है। तो आपको इसका रेशियो क्या लेना है, ये 25 टू 30 ml लेना है, और इसके अंदर ये 5 पंप मिक्स करना है अच्छी तरह, और फिर बालों पे लगाना है। उसी तरह सपोज आपके थिन हेयर है या फाइन हेयर है, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट यूज करना है। यानी ये ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट लेना है। के बाल ड्राई है
तो आपको ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करना है, ये वाला बूस्टर यूज़ करना है, यानी आपको ये 25 टू 30 ml लेना है और उसके अंदर 5 पम्प इसके डालने हैं और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करके आपको बालों पे लगाना है। लेकिन दोस्तों और एक बात, क्या होगा अगर आपके क्लाइंट की मल्टीपल हेयर कंडीशन है, यानी उनके हेयर डैमेज भी है और साथ साथ कलर टिटेड भी है, तो ऐसे वक्त आप क्या करोगे? तो इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है शॉस्कॉफ की तरफ से। आपको ये प्रोडक्ट लेना है, सेम आपका ये ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट आपको लेना है 25 टू 30 ml, और इसके अंदर आप पेप्टाइड, ये जो आपका पेप्टाइड रिपेयर वाला प्रोडक्ट है बूस्टर, ये भी यूज़ करना है और साथ में आपको ये कलर वाला बूस्टर भी यूज़ करना है, यानी दोनों बूस्टर को आपको इस ट्रीटमेंट के साथ मिक्स करना है, यानी आपको इस कॉम्बिनेशन में लेना है। अभी इसका रेशियो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यानी सपोज आपने ये 25 टू 30 ml लिया है, तो इसके अंदर ये दोनों आधा ने दोनों पंप लेना है और उसके ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट के अंदर आपको मिक्स करना है और फिर बालों पे लगाना है। यानी एक बार फिर से याद रखिए, अगर आपके बालों की मल्टीपल कंडीशन है, एक से ज़्यादा कंडीशन है, सपोज दो कंडीशन है, यानी आपके बालों में आपके बाल डैमेज भी है और कलर टिटेड भी है, तो आपको दोनों बूस्टर को यूज़ करना है ट्रीटमेंट के साथ। दोस्तों एक बार फिर से थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। इस ट्रीटमेंट के लिए आपको तीन प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट है आपका शैम्पू, जिसे हम ट्राई बॉन्डिंग शैम्पू भी कहते हैं, जिसे हम हेयर वॉश के लिए यूज़ करेंगे बिफोर ट्रीटमेंट, और सेकंड प्रोडक्ट है एक्चुअल आपका ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट। और यहाँ भी दो अलग अलग प्रोडक्ट है, एक आपका फाइन हेयर के लिए प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट आपके थिक हेयर के लिए है, और फाइनली थर्ड प्रोडक्ट है आपका बूस्टर, जिसे आपको अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन यूज़ करना है। यहाँ टोटल 5 अलग अलग टाइप्स के बूस्टर है। फर्स्ट इज पेप्टाइड बूस्टर, ये आपके डैमेज हेयर के लिए है। दूसरा है पीएच कलर बूस्टर, जो आपके कलर ट्रीटेड हेयर के लिए है। थर्ड है मॉइस्चर किक बूस्टर, ये आपके ड्राई हेयर के लिए है। फोर्थ है वॉल्यूम बूस्टर, ये आपके थिन हेयर के लिए है। और फाइनली लास्ट प्रोडक्ट है केराटिन स्मूथ बूस्टर, ये आपके थिक और फ्रिजी हेयर के लिए है। आई होप दोस्तों अब आपको ये ट्रीटमेंट और बूस्टर किस तरह से यूज़ करने हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस ट्रीटमेंट की प्रोसीजर की तरफ, जो बहुत ही इजी और सिंपल है। सो दोस्तों ट्रीटमेंट की फर्स्ट शुरुआत होगी शैम्पू वॉश से। तो आपको यहाँ पर ये वाला ट्राई बॉन्डिंग शैम्पू लेना है और इस शैम्पू से क्लाइंट के हेयर को अच्छी तरह वॉश करना है, ताकि बालों में जो भी डस्ट, ड्राइनेस या जो भी गंदगी है वो पूरी तरह निकल जाए। फिर उसके बाद आपको हेयर को हल्का सा टॉवल ड्राई करना है, और टॉवल ड्राई करने के बाद आपको एक्चुअल ट्रीटमेंट की शुरुआत करनी है। यानी आपको ये ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट लेना है और फिर उसके अंदर हेयर की कंडीशन के अकॉर्डिंग बूस्टर मिक्स करना है। याद रखिए आपको ये ट्रीटमेंट लेनी है और इस ट्रीटमेंट के अंदर ये बूस्टर अकॉर्डिंग टू आपकी हेयर की कंडीशन ये लेना है और इसके अंदर मिक्स करना है और आपको हेयर पर लगाना है। याद रखिए इस प्रोडक्ट को आप रूट्स पे ना लगाइए, यानी हल्का सा स्काल्प से हाफ इंच छोड़कर लगाइए। जैसे आप स्पा का प्रोडक्ट लगाते हो वैसे ही आप सेक्शन बाय सेक्शन इस प्रोडक्ट को पूरे हेयर पर लगाइए, और फिर इस प्रोडक्ट को आपको हेयर पर रखना है 10 मिनट तक। 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपको हेयर को रिंस करना है, दैट्स ऑल। देखा कितनी सिंपल प्रोसेस है। रिंस होने के बाद चाहो तो आप ब्लो ड्राई स्टाइलिंग कर सकते हो। यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि इस ट्रीटमेंट के बाद आपको क्लाइंट के हेड को मसाज नहीं देना है, ना ही स्टीम देनी है। आपको सिर्फ ये सिंपल ट्रीटमेंट करनी है, दैट्स ऑल। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको क्लाइंट को एक अच्छा सा होम केयर के लिए शैम्पू और कंडीशनर सजेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर हेयर कंडीशन। तो यहाँ आपको डैमेज हेयर के लिए रिपेयर रेस्क्यू वाला शैम्पू और कंडीशनर सजेस्ट करना है। उसी तरह अगर क्लाइंट के हेयर में ड्राइनेस है तो आपको मॉइस्चर किक वाला शैम्पू और कंडीशनर सजेस्ट करना है। उसी तरह अगर क्लाइंट के हेयर कलर ट्रीटेड है तो आपको शॉस्कॉफ का ही कलर फ्रीज शैम्पू और कंडीशनर होम केयर के लिए सजेस्ट करना है। उसी तरह अगर क्लाइंट के हेयर फाइन है और उन्हें बालों में वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम बूस्ट शैम्पू आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना है। उसी तरह क्लाइंट के हेयर थिक है तो आपको स्मूथ परफेक्ट शैम्पू और कंडीशनर क्लाइंट को सजेस्ट करना है।
सो फ्रेंड्स, ये थी सिंपल और इजी थियरी इस शॉस्कॉफ ब्रांड के फाइबर क्लिनिक ट्रीटमेंट की। अब आइए हम बढ़ते हैं आगे प्रैक्टिकल की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट हम क्लाइंट के हेयर को ट्राई बॉन्डिंग शैम्पू से वॉश करेंगे। हम स्कैल्प और हेयर को क्लीन करेंगे इस शैम्पू से। ये ट्राई बॉन्डिंग शैम्पू स्कैल्प को और हेयर को जेंटली क्लीन भी करता है और सॉफ्ट भी बनाता है, जो नॉर्मली कोई और शैम्पू से नहीं होता। शैम्पू वॉश के बाद हम हेयर को टॉवल ड्राई करेंगे टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम हेयर, और फिर शुरू होगी एक्चुअल फाइबर क्लिनिक ट्रीटमेंट। आज हमने क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग थिक हेयर का प्रोडक्ट यूज किया है। नेक्स्ट हम 25 ग्राम ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट लेंगे और उसमें 3 पंप कलर बूस्टर का प्रोडक्ट डालेंगे और फिर 3 पंप मॉइस्चर किक बूस्टर का डालेंगे। अब हमारा मिक्सचर रेडी है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। प्रोडक्ट का एप्लीकेशन आपको डैम्प हेयर पर करना है। यहाँ हम 2 इंच के सेक्शंस लेंगे और प्रोडक्ट को टैप करते हुए सारे हेयर पर लगाएंगे। यहाँ याद रखिए, आपको प्रोडक्ट को स्कैल्प पर नहीं लगाना है। आपको स्कैल्प से 1/2 इंच छोड़कर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करना है। प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के बाद आपको प्रोडक्ट को अच्छी तरह इमल्सिफाई करना है ताकि प्रोडक्ट सारे हेयर पर लग जाए। आप चाहो तो छोटे छोटे सेक्शंस लेके भी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कर सकते हो। जस्ट सी हाउ वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के बाद आपको प्रोडक्ट को 10 मिनट के लिए हेयर पर रखना है। नेक्स्ट आपको हेयर को सिर्फ प्लेन वाटर से रिंस करना है और फिर आप चाहो तो हेयर को ब्लो ड्राई कर सकते हो। आज हम ब्लो ड्राई के लिए मैजिक क्लिप का यूज करने वाले हैं। ये मैजिक क्लिप कुछ इस तरह का होता है। फर्स्ट हम सारे हेयर को ड्राई कर लेंगे, फिर मैजिक क्लिप की मदद से सारे हेयर को रोल करेंगे। सो प्लीज वॉच हाउ वी आर डूइंग इट। जैसे ही हेयर रोल हो जाते हैं, हम रोल को इस तरह से लॉक कर देंगे और फिर मीडियम हीट से हेयर को ड्राई करेंगे। याद रखिए, यहाँ आपको मीडियम हीट यूज करनी है। नेक्स्ट आप 2 से 5 मिनट्स तक हीट देते रहो और फिर 2 से 3 मिनट्स तक हेयर को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक रुको। फिर आप मैजिक क्लिप को रिमूव कर दो। दैट्स ऑल। हमारा ब्लो ड्राई विथ मैजिक क्लिप हो गया और ये रहा इसका रिजल्ट। एकदम सिंपल एंड इजी ब्लो ड्राई और ट्रीटमेंट भी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।